पूरे प्रदेश में बलात्कार और छेड़खानी जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के आहू गांव का है, जहां बलात्कारियों ने 5 बच्चियों की मां को 2 दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल एसपी दफ्तर के बरामदे में बार बार बेहोश होती महिला सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई है। पीड़िता का आरोप है कि बीती रात जब वो खगड़िया से वापस आ रही थी और उमेश नगर स्टेशन पर उतरकर अपने घर जाने के लिए निकली, तभी रास्ते में गांव के ही सुनील यादव और उसके साथी ने उसे बंधक बनाकर बहियार की ओर ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खगड़िया से आ रहे थे उमेश नगर स्टेशन उतरे तो रास्ते में हम घर जा रहे थे, खदमा नाला के पास गए तो दोनों आदमी हमके पास आया, हमको सामान गोली के साथ हमको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद हमको मुंह में गमछा बांध दिया, मुंह यादव बांध के हट गया। तेकर बाद सुनो यादव कम दे भाई दोनों हमको पकड़ लिया, जेवर जल था तनी मनी खोल ली। तेकर बाद हमको साथ गलत कार्य किया, भाग गए हमको खनिए नाला में रखा। अपना गांव का है को पहचाने, क्या नाम है? सुनील यादव कहता है। इतना ही नहीं, बलात्कारियों ने अगली सुबह पीड़िता को पुलिस में न जाने की धमकी देकर छोड़ा, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह एसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। यादव जंगली चोर, अच्छा मथारी, उसको कुटुम है। जब रात भर बीत गया, सुबह हो गया 4 बजे, बहुत लोग बनास घी बेचने वाला जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, जब लोग का वहाँ से देखा तब हमको धमकी दे के छोड़ दिया, बोला कि थाना पुलिस जाएगी ना हमारा जान से मार को हत्या करके निपटा कर दे। आवेदन अभी लिखा हुआ है, साइन नहीं किए हैं, हमको दांती लग गए। कहाँ आए हैं अभी आप? एसपी के दरबार आवेदन दिए हैं ना, उसको बोले हैं ऐसे ऐसे बात, वो हमको गरम गरी करने लग। शुक्ला जी। कौन, पुलिस? हाँ शुक्ला जी। वहीं पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, पीड़िता के मेडिकल जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर छानबीन करने की बात कही है। इस व्यक्ति का नाम लेके बोल रही है कि उसके ऐसा से घटना किया, अभी थाना पर गए भी नहीं है, अभी जानकारी मिली है, जांच करने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि क्या मामला है। सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही, कई लोगों की बता रही है, लेकिन उसके जांच करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने तो पीड़िता के न्याय का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार होती बलात्कार और छेड़खानी की वारदातों से कहीं न कहीं महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन पीड़िता को कब तक न्याय दिलाने में कामयाब होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।